हेलो यार, क्या क्या हो जाता है यहाँ पे WWE में। मतलब जिस रिटर्न का हम इतने सालों से वेट कर रहे थे, अब आएंगे तब आएंगे, पता नहीं कब कब आएंगे। इतने बड़े बड़े इवेंट निकल के चले गए, एक ग्रैंड स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न कर लिया यार। द ब्राउन बोल द पीपल चैंप द रॉक ने फाइनली रिटर्न कर लिया WWE में, और एक ऐसे टाइम पे जबकि हमें से कोई भी इमेजिन नहीं कर रहा था, क्योंकि जॉन सीना इस टाइम पे WWE में है एंड ऑलरेडी कुछ ऐसा बड़ा टाइम नहीं चल रहा है। फास्ट लेन आने वाली है यार, मतलब क्या ही है बड़ा। तो कौन ही इमेजिन कर सकता था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। जॉन सीना ने रिटर्न कर लिया, द रॉक ने भी अब रिटर्न कर लिया, सीएम पंक के ऑलरेडी रूमर सामने आ रहे रिटर्न करने के। ओ भाई, ये जो हम बोल रहे थे WWE थोड़ी सी बोरिंग फील होना शुरू होगी, इन्होंने तो पूरा पासा ही पलट दिया। और हाँ, आप जरूर जानना चाहते होंगे कि द रॉक ने क्यों अपना रिटर्न किया, ऐसा क्यों हुआ, वो कौन सी राइवलरी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कुछ। तो जितना फिलहाल के लिए सामने आया उतना मैं आपको बता देता हूँ। देखो, द रॉक भैया घर पे बोर हो रहे थे, उनका मूड हुआ कि यार बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, चलो WWE चलते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो राम राम राम। एंड यार, आपको तो ऑलरेडी पता है कि भाई हॉलीवुड में अभी राइटर्स और एक्टर स्ट्राइक चल रही है, यानी कि काम तो बंद है सारा। तो वही मैं कह रहा था कि बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, तो फिर WWE अभी चल रही है, बाकी सब बंद है, तो सोचा चलो वही काम करने चले जाते हैं, और क्या, फैंस खुश हो जाएंगे। तो बस यही रियल रीजन है, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि पैट मैकेफी शो पे द रॉक ने खुद बोला था कि यार रेसलमेनिया 39 में द रॉक का था प्लान, मतलब रोमन रेंस के साथ, और वो ओपन है रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच करने के लिए रेसलमेनिया 40 में भी, तो समझ रहे हो। तो बस ये सारा सिनेरियो बना, और ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि कब इनकी डील साइन हुई, कब ये सब हुआ, कब ये सब प्लान्स बने कि रॉक का रिटर्न करवाना है। यार यहाँ द रॉक वापस आए, ऑस्टिन थ्योरी और पैट मैकेफी के साथ सेगमेंट कर लिया, जॉन सीना के साथ रीयूनाइट हो गए, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रही कि क्या बताऊं। और अब तो कोडी रोड्स को बाय बाय कर दो, वो जो प्लान थे ना रेसलमेनिया 40 रोमन वर्सेस कोडी, अब हो गया, अब रॉक वर्सेस रोमन होगा। बट हाँ, ऑब्वियस चीज आपके मन में होगी कि यार वो चलो होगा, जब होगा तब होगा, ठीक है, लेकिन अभी रॉक क्या करेंगे, अभी तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट मैच किसके अगेंस्ट होगा, किसके साथ फ्यूड करेंगे, तो यार वो सारी वीडियो की नेक्स्ट उनका ओपोनेंट कौन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाली वीडियो मैं आज ही शाम को लेके आऊंगा, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी होती जिंदगी बिल्कुल भी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।